हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा है तब भी मुझसे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को दोबारा समझाऊंगी। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। अब यहाँ दिया है एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं बहुत सारे। अब इसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, कितना? 4 मीटर वाइड, मतलब ये वॉक करने के लिए ट्रैक बना हुआ है जो कितना है, 4 मीटर का है। इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। अब यहाँ पे दिया है डायामीटर 66 मीटर। अब पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, इस वाले पाथ का क्या एरिया होगा, ये जो वॉक करने के लिए ट्रैक बना है इसका एरिया। तो देखिए ये भी सर्किल है अंदर फ्लावर बेड, तो पाथ भी सर्कुलर होगा क्योंकि इसकी चौड़ाई हर जगह से 4 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। अब एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, रेडियस। तो पहले हम फ्लावर बेड का रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, उसमें ये ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं फ्लावर बेड पे, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड कितनी हुई, 66 बाय 2, दैट इज 33 मीटर। अब इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इन क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 3.14। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 33 मल्टीप्लाइड बाय 33, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 18 का 8, कैरी ओवर 1 10। अब इसको 3.14 से करेंगे, 1 0 8 9 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 का 6, कैरी ओवर 3, 4 8 32 और 3 35 का 5, कैरी ओवर 3, और 4 0 0 और 3 4 1 4, 9 8 0 1। अब 3 से करेंगे, 3 9 27 का 7, कैरी ओवर 2, 3 8 24 और 2 26 का 6, और फिर 2 और 3 1 3, तो ये हो गया 6 4, कैरी ओवर 1, 3 1 4 और 8 12 और 7 19 का 9, कैरी ओवर 1 11, कैरी ओवर 1 4 3, 2 के बाद डेसिमल आ गया, तो इसका कितना हो गया एरिया, 3419.46 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है फ्लावर बेड का, जो अंदर जहाँ फ्लावर्स लगे हैं। अब पूरे पाथ के साथ में उसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया की रेडियस कितनी हो गई, 33 प्लस 4, दैट इज 37, क्योंकि 4 मीटर और बढ़ गया ना, ये 33 रेडियस थी और यहाँ 4 मीटर एक्स्ट्रा हो गई है, तो ये हो गया 37, मतलब ये वाला जो सर्किल बना है उसकी रेडियस हो गई 37। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, 3.14 मल्टीप्लाइड 37 मल्टीप्लाइड 37, तो ये हो गया 37 को 37 से माइनस करेंगे, फोर सेवन थ्री जा 21 और 4 25, 3 7 जा 21 का 1, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 6 3 1, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 6 9। देखिए अब हम इसे ना एक तरह से और भी कर सकते थे, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके
फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, या आपने जैसे 33 को 33 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप ये वाली कैलकुलेशन अभी मत करिए। ये सही है, पर आप क्या कर सकते थे, इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1089। ठीक है, अब इसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 1369 में से इसको माइनस करके और एक बार ही 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे करना है। लेफ्ट एरिया ऑफ पाथ कितना हुआ, टोटल एरिया कितना निकाला है हमने, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1369 माइनस क्या, फ्लावर बेड का एरिया। तो 3.14 मल्टीप्लाइड 1089। ठीक है, अब यहाँ पे हमने माइनस ये 3.14 को बाहर ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में, 1369 माइनस 1089, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ये 09 और 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 2 बचा और ये हो गया 2। तो बस अब हमें 280 को एक बार 3.14 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने क्या किया, इसमें पहले इसको करा इतना बड़ा और अभी इसको करा, तो देखिए 3.14 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 28 से हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32 का 2 कैरी ओवर 3, 8 1 8 और 3 11 का 1 कैरी ओवर 1, 8 3 24 और 1 25, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 7 8। तो ये हो गया 8 7 9 2। अभी हमने 28 से करा था, है 280, तो 10 ये लगा दिया और 2 के बाद डेसिमल है, तो ये हो गया, मतलब पाथ का एरिया क्या हो गया, 879.2 मीटर स्क्वायर।